नमस्कार। आर्यन ड्रग्स मामले में इन दिनों हर कोई अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। शाहरुख खान के लाडले जब से जेल गए हैं तभी से वो चर्चाओं में बने हुए हैं। शाहरुख ने बेटे को बाहर निकालने के लिए पूरे जी जान लगा दिए हैं, लेकिन फिलहाल आर्यन आर्थर रोड जेल में बंद है। वहीं इस मामले पर आए दिन कोई ना कोई अपना बयान देता ही रहता है। जहां कई लोग इस मामले में शाहरुख को अपना सपोर्ट दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई लोग इस मामले पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। एनसीपी के नेता नवाब मलिक को शाहरुख का सपोर्ट कर एनसीबी पर तरह तरह के आरोप लगाते हुए भी देखा गया। वहीं अब एनसीपी के एक और नेता छगन भुजबल ने भी आर्यन ड्रग्स मामले पर बयान देते हुए बीजेपी पर निशाना साध दिया। यूं तो बीते कई दिनों से आर्यन मामले पर राजनीति चल रही है, लेकिन छगन भुजबल ने शनिवार को बीजेपी पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाते हुए दावा किया कि अगर एक्टर शाहरुख खान बीजेपी में शामिल हो जाएं तो ड्रग्स भी शुगर पाउडर बन जाएगी। बता दें, एक इवेंट के दौरान छगन भुजबल मुंबई ड्रग्स केस के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें शाहरुख के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया। ड्रग्स केस में महाराष्ट्र सरकार लगातार एनसीबी पर निशाना साध रही है। इससे पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार में मंत्री नवाब मलिक भी एनसीबी की जांच पर सवाल उठा चुके हैं। अब एनसीबी नेता छगन भुजबल ने कहा, गुजरात के मुद्रा बंदरगाह पर जब्त 3000 किलोग्राम हेरोइन के मामले की जांच करने के बजाय एनसीबी शाहरुख खान के पीछे पड़ी है। अगर शाहरुख खान भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो ड्रग्स शुगर पाउडर बन जाएगा। बता दें, आर्यन खान को एनसीबी ने 2 अक्टूबर को क्रूज से गिरफ्तार किया था। अभी वो न्यायिक हिरासत में है और उनकी जमानत याचिका निचली अदालत से खारिज हो चुकी है। फिलहाल आर्यन खान आर्थर रोड जेल में बंद है। बताते चले, शाहरुख खान को इस बुरे वक्त में अपने कई दोस्तों का साथ मिल रहा है। सलमान से लेकर ऋतिक रोशन लगातार शाहरुख का साथ दे रहे हैं। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।